पंचम पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन, साथ ही पूज्य महाराज जी के सुपुत्र देवांश जी का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्मदिन। मार्च में आयोजित होने जा रहे होली महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियां शुरू हुई। सभी भक्तगण जल्द से जल्द करवाएं रजिस्ट्रेशन। वृंदावन में ठाकुर श्री प्रकांजु भगवान के पंचम पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का कल समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सुपुत्र देवांश जी का जन्मदिन भी बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कथा समापन एवं देवांश जी के जन्मदिन के अवसर पर सुबह पूज्य महाराज श्री एवं देवांश जी ने संतों को कम्बल वितरित किए, साथ ही दोपहर में ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया एवं सभी भक्तों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। कथा के अंतिम दिन अनेकों संत महात्माओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आज जिनका जन्मोत्सव है, ऐसे अत्यंत स्नेहभाजन आयुष्मान भक्तिमान श्रीमान श्री देवांश जी को अपने श्री ठाकुर जी की ओर से, श्री मलुकदास जी की ओर से और सभी पूज्य संतों की पूर्वाचार्यों की ओर से उनको खूब खूब मंगल में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सनातन धर्म की, वैष्णव धर्म की, भारत माता की ऐसी ही सेवा वे अत्यंत सुदीर्घ काल तक करते रहे। आज ऐसे पंचम पाठोत्सव के उपलक्ष्य में मैं अपने आप को यहां आकर आनंदित महसूस कर रहा हूं। बहुत कृपा हुई है ठाकुर जी की और हमारे लाडले सुपुत्र ठाकुर जी के, अब उन्होंने भी गायन और थोड़े थोड़े वक्तव्य से आप लोगों को गोविंद के चरणों से जोड़ने का प्रयास किया है। देखो, ठाकुर जी का ध्यान युवाओं के ऊपर रहता है, लेकिन कई लोगों को शिकायत भी होती थी कि जो अभी युवा नहीं है उनका क्या। तो मैं ऐसे बच्चों को कहूंगा कि आप लोग देवांश जी को फॉलो करना शुरू कर दो, जैसे वो राधे करते हैं ऐसे ही आप लोगों के बच्चे भी भक्ति के मार्ग पर चलें। बस आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं तो यही शुभकामना देता हूं कि अपने पिताश्री से भी ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामना। बस वृंदावन में ठाकुर प्रियकांजु भगवान के दर पर आयोजित होने वाले होली महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। संस्था के द्वारा आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस वर्ष पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में 21 से 28 मार्च तक होली महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। जो भी भक्त इस कथा में यजमान बनना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। कथा में यजमान बनने की सेवा इस प्रकार है: राधा मंडल ₹25,000, कृष्ण मंडल ₹21,000, भक्त मंडल ₹15,000। अधिक जानकारी के लिए आप ट्रस्ट के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।